सब्सक्राइब कीजिए डिजिटल इंडियन चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मिले मेरे वीडियोस के अपडेट सबसे पहले। और दोस्तों कैसे हैं आप? मार्च का महीना हो गया है शुरू और एक से एक फोन जो है लॉन्च होने वाले हैं इस महीने के अंदर। ये महीना हमेशा से इंपॉर्टेंट रहता है हर एक इंसान के लिए, चाहे वो बिजनेसमैन हो, स्टूडेंट हो या फोन कंपनीज हो। वैसे फोन कंपनीज तो एक के बाद एक फोन जो है लॉन्च कर ही रहे हैं, फरवरी का महीना भी काफी अच्छा रहा था, लेकिन मार्च का महीना और भी कमाल होने वाला है क्योंकि कॉम्पिटिशन होने वाला है बहुत टफ। फटाफट मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं और आपको बताता हूं कौन कौन से फोन जो है लॉन्च होंगे, एक्सपेक्टेड प्राइस क्या होगा और उसकी स्पेसिफिकेशन क्या होने वाली है। एक दो फोन को छोड़ के सबके प्राइस लगभग मुझे मालूम है, तो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। 4 मार्च को सबसे पहले लॉन्च होगा Realme 3। Realme 3 के अंदर आपको 6.3 इंचेस की जो है डिस्प्ले मिलने वाली है, 4GB की रैम और 64GB की स्टोरेज मिलेगी। एक और वेरियंट इसके अंदर आ सकता है जिसके अंदर आपको 6GB की रैम और 128GB की स्टोरेज मिल सकती है। दोस्तों कैमरा जो है वो रियर में दो होंगे, 16 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का, और फ्रंट की अगर बात करते हैं तो उसके अंदर आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा एक और मिल जाएगा। बैटरी जो है 4230mAh की होगी इसके अंदर, और साथ में आपको मिलेगा एंड्रॉइड पाई का सपोर्ट। तो ये फोन आपका 4 मार्च को लॉन्च होगा और शायद अच्छा कॉम्पिटिटिव प्राइस रखा जाएगा क्योंकि रियलमी हमेशा से ही कॉम्पिटिटिव प्राइस रखने वाला है। तो रेडमी नोट 7 या नोट 7 प्रो के आसपास में ही बीच में कहीं प्राइस का होना चाहिए। बात करते हैं दूसरे फोन के बारे में और वो है ओप्पो का F11 Pro। इस फोन के अंदर सबसे बड़ी खासियत आपको 48 मेगापिक्सल का इसके अंदर आपको कैमरा मिलने वाला है F1.79 के अपर्चर के साथ। साथ ही आपको 6GB और 64GB का वेरिएंट देखने को मिलेगा। स्क्रीन इसके अंदर आपको पॉपअप कैमरा देखने को मिलने वाला है। 5 मार्च को ये फोन लॉन्च होगा। 6.5 इंचेस का इसके अंदर आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगा। और एक और खास बात इसके बारे में आपको बता देता हूं, इसके अंदर आपको वूक 3 का चार्ज आपको मिलने वाला है। देखो दोस्तों वूक 1 अपने आप में काफी फास्ट चार्ज था, मतलब 5 मिनट के अंदर आपको 2 घंटे का टॉक टाइम देता था, लेकिन ये वूक 1 से 20 मिनट फास्ट आपको चार्ज करके देखा। तो वूक 3 अपने आप में इस टाइम इंडस्ट्री का सबसे फास्ट चार्जर बन जाएगा। तो ओप्पो F11 जो है वो कमाल धमाल फोन होने वाला है। 5 मार्च को ये लॉन्च होगा। और अगले फोन की अगर बात करें तो वो है ओप्पो का भाई Vivo V15। देखो दोस्तों Vivo V15 Pro अभी लॉन्च हुआ था और Vivo V15 जो है वो अब मार्च के अंदर लॉन्च हो रहा है। स्पेसिफिकेशन की अगर बात करें तो 6.3 इंचेस का इस तरह आपको डिस्प्ले मिलने वाला है। ट्रिपल रियर कैमरा इस तरह आपको मिलेगा 24 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का, और जबरदस्त 32 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा मिलने वाला है। 4GB के अंदर आपको रैम मिलेगी, 64GB की स्टोरेज, मतलब वो 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वाला वेरिएंट आपको इसमें मिलने वाला है। 3700mAh 3700mAh की बैटरी इसके अंदर आपको मिल जाएगी। तो Vivo V15 जो है वो कम प्राइस के अंदर आने वाला है Vivo V15 Pro के मुकाबले, तो इस फोन का भी इंतजार रहेगा। और हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट फोन की तरफ। दोस्तों Samsung ने लॉन्च कर दिए अपने 3 फोन, Samsung A10, A30 एंड A50। ये तीनों जो है 8,500 रुपए से लेके 20,000 रुपए तक के वेरियंट के अंदर आएंगे। A10 की अगर हम बात करते हैं तो वो 8,500 रुपए का फोन आपको मिलने वाला है, जिसके अंदर आपको 6.1 इंच का डिस्प्ले मिलेगा, 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिलने वाला है और 5 मेगापिक्सल का इसके अंदर आपको फ्रंट कैमरा मिलने वाला है। 3400mAh की इसके अंदर आपको बैटरी मिलेगी, 2GB रैम और 32GB का आपको स्टोरेज मिलेगा, साथ ही आपको मिलेगा एंड्रॉइड पाई का सपोर्ट। तो 8,500 रुपए के अंदर ये फोन कमाल धमाल होने वाला है। आई थिंक 6.2 इंच की इसमें आपको स्क्रीन मिलेगी। बात करते हैं Samsung A30 के बारे में। Samsung A30 के अंदर आपको 6.4 इंच का डिस्प्ले मिलने वाला है। ये आपको 4GB रैम और 64GB वाले वेरिएंट के बारे में बात कर रहा हूँ। ये आपको 16,990 रुपए का मिल जाएगा, जिसके अंदर रियर कैमरा जो है वो ड्यूल होने वाले हैं 16 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का, और अगर फ्रंट कैमरे की बात करते हैं तो वो आपको 16 मेगापिक्सल का मिलने वाला है। बैटरी की अगर बात करते हैं तो आपको 4000mAh की बैटरी मिल जाएगी और एंड्रॉइड पाई का सपोर्ट तो आपको मिलने ही वाला है। तीसरा जो फोन है वो Samsung A30 है, जो कि 19,990 रुपए आपको मिलने वाला है। इस फोन के अंदर भी आपको 6.4 इंचेस की सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलने वाली है। स्टोरेज की अगर बात करें तो इसके अंदर आपको 4GB रैम और 64GB स्टोरेज का मॉडल मिल जाएगा। ट्रिपल कैमरा का इसके अंदर आपको सपोर्ट मिलने वाला है, 25 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल, मतलब अल्ट्रा वाइड इसके अंदर आपको मिलने वाला है सपोर्ट। 25 मेगापिक्सल का आपको जो है फ्रंट कैमरा मिलेगा और 4000mAh की इसके अंदर आपको बैटरी मिलेगी और एंड्रॉइड पाई का सपोर्ट भी इसके अंदर आपको मिलना होता है। अगर आपका 8,500 रुपए से लेके 20,000 रुपए तक का बजट है तो इन फोन्स को जरूर कंसीडर कीजिएगा। Samsung A10 जो है वो 20 मार्च को इंडिया के अंदर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बाकी ये जो दो फोन है वो 2 मार्च, मतलब कल जो है वो लॉन्च हो जाएंगे इंडिया के अंदर, तो उनको आप ऑफलाइन मार्केट से भी खरीद सकते हैं। बात करते हैं अगले फोन के बारे में। Huawei अपनी नई सीरीज लॉन्च कर रहा है, फ्रांस के अंदर ये 26 मार्च को लॉन्च हो जाएगी। P30 की सीरीज है, P30
P30, P30 Pro और P30 Lite। इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होने वाला है वो है कैमरा। 6.1 इंच की स्क्रीन के साथ ये फोन जो है लॉन्च होंगे और ट्रिपल कैमरा इसके अंदर आपको मिलने वाला है, जो कि स्पॉट हुआ है काफी सारे लीक्स के अंदर, जो कि 40 मेगापिक्सल प्लस 20 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल, मतलब ये ट्रिपल कैमरा आपको मिलने वाला है। जबरदस्त हो सकता है ये फोन हो कैमरा के अंदर, क्योंकि P20 Pro भी काफी अच्छा रहा था कैमरे की अगर बात करते हैं तो। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट फोन की तरफ, जो है नोकिया का फोन। नोकिया ने काफी सारे फोन अपने लॉन्च कर दिए हैं। फीचर फोन अगर की बात करें तो 201, 201, इसके अलावा नोकिया 3.2, नोकिया 4.2, जो कि 3.1 से अपग्रेड आप लगा लीजिए, 4.1 से अपग्रेड लगा लीजिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट फोन मैं आपके साथ बात करने वाला हूं वो नोकिया का 9। इस फोन ने तो मतलब कैमरा के मामले में एक नई कहानी जो है वो रच दी है। 5 में जो है कैमरे इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे, पेंटा कैमरा इसके अंदर आपको मिलने वाला है और पांचों के पांचों कैमरा जो है वो 12 मेगापिक्सल के होने वाले हैं, जिसके अंदर आपको दो कैमरा जो कलर आपको और तीन आपको जो है ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स निकाल के देंगे। तो ये डेप्थ में ज्यादा जाके आपको पिक्चर निकाल के देते हैं। होपफुल इसके रिजल्ट्स तो अभी जो देखने को मिल रहे हैं वो काफी डिटेल में जा रहे हैं। दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि कैमरा के अंदर तो डेफिनेटली हर एक स्मार्टफोन कंपनी अब इतना ज्यादा घुसती जा रही है कि शायद आने वाले टाइम में DSLRs को जो है वो खतरा ना हो जाए। वो तो देखने वाली बात है, DSLR वाले भी अपने काफी इस टाइम पे प्रोग्रेस में लगे हुए हैं। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट फोन की तरफ, जो है नूबिया का रेड मैजिक मास। रूबिया रेड मैजिक जो है वो आ चुका था, मास एडिशन इसका आया है, जो कि आपको 6 इंच की स्क्रीन के साथ मिल जाएगा और 6GB की अंदर आपको रैम मिलने वाली है, 64GB की स्टोरेज मिलेगी। ये स्नैपड्रैगन के 845 के प्रोसेसर के ऊपर रन करता है। 16 मेगापिक्सल का रियर कैमरा आपको मिल जाएगा और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा इसके अंदर आपको मिलता है। 3700mAh की अंदर आपको बैटरी देखने को मिल जाएगी। ये प्योरली डेडिकेटेड एक गेमिंग फोन है, तो अगर इफ यू आर अ गेम लवर तो डेफिनेटली आप इस फोन को कंसिडर कर सकते हैं। इस महीने में ये फोन भी लॉन्च होने वाला है। और दोस्तों अब बात करते हैं हम उन फोन्स की जो कि लॉन्च तो हो चुके हैं लेकिन अब सेल उनकी इस महीने से जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। उसमें Redmi Note 7 Pro, Samsung का A10, A30 और A50, ये तीनों फोन भी इसी महीने से आपके सेल के अंदर आ जाएंगे, और Samsung की S10 सीरीज। तो अगर आपको इन फोन्स में से कोई भी फोन खरीदना है तो उसके लिए भी आप जा सकते हैं। ये थे वो फोन जो कि मार्च के महीने में मचाएंगे धमाल। इसी तरीके की सीरीज लेके हर महीने में आऊंगा, तो आप नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तो बहुत जल्दी आने वाला है दोस्तों। डेली टेक वीडियोस देखने के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। मेरा नाम है संदीप और चैनल का नाम है डिजिटल इंडियन, द चैनल विद द वाई फैक्टर। बहुत जल्दी मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।